बंटवारे को लेकर भतीजे अखिलेश से नाराज शिवपाल यादव। सूत्रों के मुताबिक 6 सीटों का वादा करके अखिलेश ने शिवपाल को दी मात्र 1 सीट। शिवपाल को जसवंत नगर के अलावा और कोई सीट देने को तैयार नहीं अखिलेश यादव। सूत्रों ने बताया अपने बेटे के लिए भी 1 सीट मांग रहे हैं शिवपाल यादव। यूपी के बाकी के 231 उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी का मंथन। दिल्ली में देर रात तक चली मीटिंग। दिल्ली में मौजूद हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रत्याशियों के नाम को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ जारी है बैठकों का दौर। बुधवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी कर सकते उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी की बैठक में निषाद पार्टी की सीटों पर मोहर। सूत्रों के हवाले से खबर। बस्ती, भदोही और प्रयागराज से निषाद पार्टी को 1-1 सीट। गोरखपुर ग्रामीण समेत 15 सीटें मिली। यूपी चुनाव में प्रचार करेगी एमपी बीजेपी के नेता। एमपी बीजेपी ने अपने 250 नेताओं को भेजा यूपी। एमपी बीजेपी ने यूपी में कई सांसदों विधायकों की लगाई है ड्यूटी। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। यूपी चुनाव में हुई महबूबा मुफ्ती की एंट्री। बीजेपी पर सादा निशाना। कहा आज हमारे पास बीजेपी से जान छुड़ाने का मौका। महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी से छुटकारा। ये आजादी से भी बड़ी आजादी होगी क्योंकि बीजेपी देश के टुकड़े करना चाहती है। गाजियाबाद से सीएम योगी का गुंडों और माफियाओं को सख्त संदेश। कहा जनता का आशीर्वाद रहेगा तो आगे भी कसेंगे नके। सीएम योगी ने एसपी उम्मीदवारों पर उठाए सवाल। कहा समाजवादी पार्टी ने पेशेवर अपराधी और गुंडों को दिया है टिकट। दंगाइयों को बनाया प्रत्याशी। अखिलेश के अन्य संकल्प पर योगी का तंज। किसानों के हितेशी होने का स्वांग रच। वही अखिलेश ट्वीट कर लिखा ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर जोरदार हमला। कहा हाथ में गन लेकर घूमने वाले आज हाथ में अन्न लेकर किसान हितेशी बनने का कर रहे हैं ढोंग। जी मीडिया से बोले इनकी सरकार में मंत्री ब्रजेश पाठक। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। काशी में विश्वनाथ का धाम बना। अब मथुरा की तैयारी। ब्रजेश पाठक ने कहा यूपी का ब्राह्मण हमारे साथ है। ब्राह्मणों का घर बीजेपी है। एसपी और डीएसपी के साथ ब्राह्मण लोग नहीं जा रहे। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा जब यूपी में एसपी की सरकार थी तब इन्हें किसानों की याद क्यों नहीं आई। जल्द आ सकता है समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र। किसानों को लुभाने के लिए की जा सकती है कई घोषणाएं। राकेश टिकैत का योगी सरकार पर हमला। कहा मौजूदा सरकार के 5 साल में लोग डर और दहशत के साए में रहे। लाठी और डंडों के दम पर चलाई गई सरकार। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर राकेश टिकैत ने कसा तंज। कहा बीजेपी के कर्मकांड सामने है। मजबूत विपक्ष के लिए सीएम योगी का जीतना जरूरी। कांग्रेस में शामिल हुए मौलाना तौकीर रजा का अखिलेश पर बड़ा हमला। कहा मुसलमानों के लिए बीजेपी से भी ज्यादा खराब है अखिलेश यादव। यूपी के रामपुर में फूट फूट कर रोया कांग्रेस प्रत्याशी का भाई। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में गए हैं। टिकट ना मिलने से छलके यूसुफ के भाई के आंसू। कांग्रेस ने यूसुफ अली को बनाया था उम्मीदवार। टिकट मिलने के बावजूद एसपी में चले गए थे यूसुफ। यूपी के रण में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने झोंकी ताकत। बिसरख और जेवर विधानसभा क्षेत्र में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशियों के मांगे वोट। नोएडा में एफआईआर दर्ज होने पर बरसे छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल। बोले बीजेपी नेताओं पर क्यों नहीं हो रही है कार्यवाही। निर्वाचन आयोग से पूछा प्रचार का तरीका। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह ने जी मीडिया से की खास बातचीत। कहा कांग्रेस का महिलाओं के प्रति रुझान सियासी छलावा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने यूपी के सभी जिला अधिकारियों को जारी किया निर्देश। पति पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी में होने पर एक को मिलेगी चुनाव ड्यूटी से राहत। दलित युवाओं की छात्रवृत्ति को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा सामाजिक न्याय को मजबूत बनाकर ही दलित युवक बनेंगे सशक्त। यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी का दलित कार्ड। कहा रोहित बेमुला की शुरू की गई सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम करेंगे मजबूत। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का दावा। कहा 5 चुनावी राज्यों में खिलेगा कमल का फूल। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। कहा पंजाब में बीजेपी गठबंधन को करेंगे समर्थन लेकिन गठबंधन नहीं हुआ तो लड़ेंगे चुनाव। नेहा सिंह राठौर का यूपी में काबा गीत वायरल। बीजेपी पर कसा तंज। कहा जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारी को लेकर मंथन जारी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आज सीसी की अहम बैठक। सभी 70 नामों पर लग सकती है फाइनल मोहर। आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं हरक सिंह रावत। साथ में 2 और विधायक थाम सकते हैं कांग्रेस का हाथ। कल राहुल गांधी से कर चुके हैं मुलाकात। पंजाब में भगवंत मान लिंग होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा। सूत्रों के हवाले से खबर। अरविंद केजरीवाल करेंगे ऐलान। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बताया चोर। कहा उनकी मंशा आखिरी वक्त पर आकर लोगों को बरगलाने की है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर पर जमकर बोला हमला। कहा कैप्टन को कांग्रेस
से खदेड़ा जाना बदलाव का प्रमाण है। प्रकाश सिंह का बादल दरअसल प्रकाश सिंह बादल का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस वो पार्टी है जिसने श्री दरबार साहिब पर हमला करवाया। दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, आज से लगातार 4 दिन तक दिल्ली के कई इलाकों में रूटाई वर्षे। गणतंथ दिवस समारोह से पहले राजपथ की बढ़ाई गई सुरक्षा, 300 कैमरों के साथ चेहरों की पहचान करने वाले सिस्टम लगाए गए। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में आईडी मिलने के मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिला टेलीग्राम पर लेटर, अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने ली जिम्मेदारी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी को विस्फोट से उड़ाने की थी साजिश, आतंकी संगठन की लेटर में धमकी, हम और तैयारी के साथ करेंगे धमाका। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का पीएम पर विवादित बयान, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने किया पलटवार, कहा बयान बेहद गंभीर और आपत्तिजनक। दिल्ली के रोहिणी में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने बदमाश शकील के पास से हथियार के बरामद। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में रंजिश को चलते देर रात चली गोलियां, फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी के साथ मोर्चा का हल्ला बोल, प्रदेश भर में कार्यकर्ता देंगे राज्यपाल के नाम ज्ञापन। सस्पेंडेड आईपीएस जीपी सिंह को आज कोर्ट में पेश करेगी ईओडब्ल्यू, न्यायिक रिमांड में भेज सकती है कोर्ट। लेबनान के बेरूत बंदरगाह पर हुए विस्फोट की जांच में फिर अड़चन, साल 2020 में हुए धमाके में गई थी 215 लोगों की जान, सड़क पर उतरे लोग। टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हर तरफ तबाही का मंजर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने नुकसान की भरपाई का आकलन करने के लिए भेजी निगरानी टीमें। कनाडा में भारी बर्फबारी का लोग उठा रहे हैं लुत्फ, बर्फबारी के चलते कनाडा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ।